गगवाड़ सियू घाटी के लोगों को गुलदार के आतंक से मुक्ति मिल गई है। आपको बता दें कि इस इलाके में दिन दहाड़े दिखाई देने वाला गुलदार पिंजरे में कैद कर लिया गया है, जिससे अब क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। वही वन रेंजर ललित मोहन नेगी ने बताया कि बहेड़ा खाल क्षेत्र में लगातार गुलदार द्वारा मवेशियों को अपना निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई थी। उन्होंने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में एक पिंजरा वन विभाग द्वारा लगाया गया। बीती रात गुलदार उस पिंजरे में कैद हो गया। उन्होंने बताया कि गुलदार को देखने में तंदुरुस्त नजर आ रहा है और गुलदार की उम्र 6 वर्ष के आसपास लग रही है। उन्होंने बताया कि गुलदार को पिंजरे में पकड़कर नागदेव रेंज लाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहेड़खल की तरफ से एक गांव है, वहाँ से प्रधान जी एक पिस्ट जी हैं, प्रधान जी का फोन आया कि यहाँ पे जो है एक गुलदार बकरी लेके कलमट में जाके, कलमट जो है बंद हो चुका है, उसमें एक गुलदार बंद है। जिसके बाद जो है हमने यहाँ से रेस्क्यू टीम भेजी वहाँ पे, और रेस्क्यू टीम को जो है वहाँ पे काफ़ी समय लगा पत्थर न खुलने कारण और गुलदार बाहर न आने कारण। वहाँ पे जेसीबी की मदद से कलवट को जो है हटाया गया और उसके बाद रेस्क्यू किया गया। लगभग सुबह 2 बजे करीब उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद उसे पौड़ी रेंज में लाया गया और अब उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और अग्रिम निर्देश जो है उच्च स्तर से जो भी होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पौड़ी जनपद में गुलदार की धमक से लोगों में डर का माहौल था। गुलदार आए दिन आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया था। वहीं पौड़ी से सटे बहेड़ा खाल क्षेत्र में गुलदार की धमक के बाद वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया, जिसमें देर रात एक गुलदार कैद हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।